तो हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अपने सॉर्टिंग के प्लेलिस्ट की सबसे लास्ट एल्गोरिथम देखने वाले हैं, जिसको हम क्विक सॉर्ट कहते हैं। तो ये काम क्विक सॉर्ट बेसिकली काम कैसे करती है, तो मैं इसमें एक सबसे पहले एरे दिया होगा, तो हम एक अनसॉर्टेड एरे बनाते हैं जो कि मान लेते हैं 2 है, 8 है, 9 है, ये 9 है, 1 है, 4 है एंड 3 है। हमारे पास एक अनसॉर्टेड एरे दी हुई है। तो ये इसमें दो टर्म, क्विक सॉर्ट में दो टर्म्स यूज होते हैं। पहला होता है पिवट, पिवट करके, एंड सेकंड होता है पार्टीशन, पार्टीशन। ठीक है, तो पिवट मतलब पॉइंटर हो जाएगा, पार्टीशन मतलब डिवाइड करना, तो डिवाइड। ठीक है, तो हम बेसिकली इस पॉइंटर एंड डिवाइड डिवाइड के हेल्प से इस पूरे एरे को सॉर्ट करेंगे। तो पॉइंटर बेसिकली करता क्या है कि इस पूरे एरे में से हम किसी एक को पॉइंटर बनाते हैं या पिवट पिवट बनाते हैं। तो मान लेते हैं अपने एरे में मैं सबसे स्टार्टिंग में जो एलिमेंट है उसको पिवट बनाते हैं, तो ये हमारा पिवट हो गया। अब क्या करेंगे, हमें जो एलिमेंट है पिवट उसको इसके और सॉर्ट होने के बाद उसकी ओरिजिनल पोजिशन जो होगी हमें वहां पे पहुंचाना होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसकी ओरिजिनल पोजिशन क्या होगी, सबसे पहले मैं ये देखता हूँ जब भी सॉर्ट होगा तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये होगी कि इससे जितने भी छोटे एलिमेंट हैं वो इसके लेफ्ट साइड में है, एंड इससे जितने भी बड़े एलिमेंट हैं वो सारे इसके राइट साइड में है। तो मान लेते हैं मैं इसको पिवट को यहाँ लिखता हूँ, ये हो गया पिवट। तो इससे जितने भी छोटे एलिमेंट रहेंगे वो सारे इसके लेफ्ट में आएंगे स्मॉल, एंड इसके राइट में सारे इससे लार्ज, इससे जितने भी बड़े रहेंगे वो सारे राइट में आएंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, ये खुद ही पिवट है, एंड इसके बाद ये 8 को हम पिक करते हैं, 8 को हम पिक करेंगे तो ये इससे बड़ा है, 8 जो है 2 से बड़ा है, तो उसको और राइट साइड में जाएगा कॉमा। 9 जो है वो भी 2 से बड़ा है, इसको भी राइट साइड में रखेंगे। 1 जो है वो 2 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे 2 के लेफ्ट साइड में डाल देंगे, इसे यहाँ पे आ गया। एंड 4 जो है वो भी 2 से बड़ा है, तो इसको भी 9 के बाद कॉमा करके डालेंगे। एंड सेम इसी तरह 3 जो है वो भी 2 से बड़ा है, तो इसको भी इधर ही डालेंगे। अब हमारे पास जो 2 है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुका है, सॉर्ट होने के बाद ये 2 की पोजीशन यही होने वाली है। सॉरी मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, तो हम 2 जो है अभी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। हमारे पास दो एरे और है, दो अनसॉर्टेड एरे मिल गए, एक तो अनसॉर्टेड एरे ये, दूसरा अनसॉर्टेड एरे ये है। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज सेम एक्शन जो अभी हमने परफॉर्म किया वो इन दोनों एरे अनसॉर्टेड एरे पे परफॉर्म करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ एक एरे मिला है 1, इस एरे में एक ही एलिमेंट है 1, और अकेला एलिमेंट खुद ही सॉर्टेड होता है, उसे सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम इसे इग्नोर करेंगे एंड लेफ्ट साइड में फिर से एक पिवट पकड़ेंगे। मान लेते हैं अभी मेरे पास 8 है, मेरे पास एक डेटा है जो 8, 9 एंड 4 एंड 3, ये एरे है जो यहाँ पे मिला हमें राइट साइड में। अब इसको इसमें एक पिवट बनाते हैं, 8 बनाया मैंने, 8 को मान लिया पिवट, 8 को बनाया पिवट बीच में, एंड 8 से जो छोटा होगा उसको लेफ्ट में रखेंगे, 8 से जो बड़ा होगा उसको राइट में रखेंगे। तो 8 से छोटा और 3, 4 और 3 जो है वो लेफ्ट में आएंगे, एंड बाकी 9 जो वो राइट साइड में आ जाएगा। फिर से हमें इन दोनों को पे वापस से सेम कंडीशन लगानी होगी, तो यहाँ पे ये अकेला है तो ये खुद ही सॉर्ट हो जाएगा, एंड वापस से जब हम 4, 8 को वापस से पिवट बनाएंगे 4 को, तो 3 जो है वो 4 से छोटा है तो ये 4 के लेफ्ट में आ जाएगा, 3 और 4। ठीक है, अभी वापस से जितने हमने पार्टीशन किए हैं तो ये सारे डिवाइड हो चुके हैं एंड सारे के सारे सॉर्ट हो चुके हैं। अब वापस से जब ज्वाइन करेंगे इन एरेज को, तो सबसे लास्ट में हमने 3 और 4 को सॉर्ट किया था, तो 3 और 4 हो गया, 3, 4। अब इसके लेफ्ट साइड में 9 है, 9 अकेला था तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया, एंड इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो जो ये एरे था ये वाला, ये हमें मिल जाएगा सॉर्टेड फॉर्म में। अभी जब इन 3, 4 एंड 8 को हमने लिख दिया यहाँ पे बीच में, ये जो एरे था ये मिल गया हमें, एंड वापस से ये एरे इसके साथ साथ पिवट बीच में है, हम 3 के यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, एंड वापस से इसके लेफ्ट साइड में राइट साइड में सॉरी लेफ्ट साइड में बचा था 1, 1 यहाँ पे डाल देंगे, तो हमें पूरा एरे हम देख सकते हैं ये सॉर्ट हो चुका है। तो इसमें हम रिकर्सन मेथड का यूज करने वाले हैं, एक फंक्शन बनाएंगे जो रिकर्सिवली खुद को कॉल करेगा। तो मैं चलते हैं वीएस कोड में अपने, एंड वहां पे देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ठीक है, मैं आ गया वीएस कोड में, एक वेरिएबल बनाते हैं सबसे पहले, लेट अनसॉर्टेड
अनसॉर्टेड, ठीक है, इसके अंदर हम डालते हैं कोई से भी वैल्यू, 3, 2, 5, 8, 1, 6 डाल देते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक फंक्शन जो खुद को कॉल करने वाला है, एंड उसके बाद क्विक शॉर्ट, क्विक एक फंक्शन का नाम देते हैं क्विक, सी के क्विक, एंड इसको पैरामीटर में जो चाहिए होगा वो सिर्फ एरे देंगे हम इसको ARR, ठीक है। एंड वापस से एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा एरे जो है ARR, इसकी लेंथ जो है वो अगर छोटी होती किससे, जी TH, लेंथ अगर इससे किससे छोटी होती है, एरे डॉट लेंथ वन से, अगर वन से छोटी हो तो वन हो, या वन से छोटी वो एरे या तो कुछ नहीं होगा या तो एक एलिमेंट होगा खुद ही सॉर्टेड ही होगा, तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे एरे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमने अभी क्या डिसाइड किया कि हमारा जो एरे होगा उसके जो पिवट हमने बनाया है उसके लेफ्ट साइड में उस एरे से सबसे छोटी वैल्यू आएगी, एंड उस पिवट के राइट साइड में उससे बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी जो भी हमारा पिवट बना होगा। तो यहाँ पे हम दो तीन वेरिएबल्स बनाते हैं, सबसे पहले मैं एक कॉन्स्ट बनाता हूँ जो अपने अंदर पिवट रखने वाला है, पिवट, ओके। पिवट में हम एरे ऑफ इंडेक्स की जीरो थ इंडेक्स पे जो कुछ भी है वो डाल देंगे, एंड वापस से क्या करेंगे कॉन्स्ट लेस स्मॉल में क्या करेंगे एरे में फिल्टर लगाएंगे, जो मेरे पास एरे है फिल्टर फिल्टर, और इसमें एलिमेंट पास करें ईएलई पास कर दिया एंड एरो फंक्शन बना दिया। अब यहाँ पे कंडीशन ये लगाएंगे कि इसमें एलिमेंट ईएलई जो है वो पिवट से जितने भी छोटे हैं, पिवट से जितने भी छोटे हैं वो सारे फिल्टर होके लेस वाले में चले जाएंगे, एंड मैं इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल डी, एंड यहाँ पे लेस वेरिएबल का नाम चेंज करते हैं, एक ग्रेटर देन का बनाएंगे ग्रेटर। अब यहाँ पे बस हम कैपिटल इसमें सारे वो एलिमेंट आएंगे जो ग्रेटर देन होंगे पिवट से, एंड सेम इसी तरह एक और बनेगा जो कि बराबर होगा पिवट के। मान लेते हैं हमने पिवट बनाया दो अपने एरे में, सेम टू टाइम्स एक एलिमेंट प्रेजेंट है ये उस वाले कंडीशन के लिए, हम इसको बनाते हैं इक्वल्स, ओके। वापस हमें क्या करना है, किसी रिकर्सिवली सेम मेथड को रिकर्सिवली कॉल करना है, तो हम क्विक को वापस से कॉल करेंगे और इसमें पास करेंगे लेस को, ये और लेफ्ट साइड में जो मेथड है उसको डायरेक्टली बार बार कॉल करेगा, एंड इसके साथ हमें कॉनकेटिनेट करना पड़ेगा, कॉनकेटिनेट करना पड़ेगा किसको, इक्वल्स इक्वल्स जो है उसको डायरेक्टली जो भी इक्वल्स पड़ा उसको ऐड कर देना है, एंड वापस से हमें राइट साइड में जो ग्रेटर देन वाला एरे था उसको पास करना इसमें ग्रेटर जी आर जी ग्रेटर, ठीक है। तो ये दोनों रिकर्सिवली कॉल करते रहेंगे खुद को, एंड वापस से बस हमें इसको मेथड को कॉल करना है क्विक, क्विक को कॉल किया एंड इसमें पास कर दिया अनसॉर्टेड एरे को, एंड ये जो भी रिटर्न कर रहा है इसको मैं डायरेक्टली लॉक करा सकता हूँ, एंड ठीक है मैं आउटपुट में एक बार चल के देखते हैं कि क्या आ रहा है, टर्मिनल खोलते हैं इसको क्लियर करते हैं एंड वापस से पास करते हैं। तो मेरा जो एरे है जो मैंने पास किया था ये पास किया था 3, 2, 5, 8, 1, 6 और ये मुझे सॉर्टेड फॉर्म में मिल रहा है। तो अभी अपने कोड में मैं आपको एक बार डीबग करके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, डीबगर पास किया एंड मैंने स्टॉप करके रिस्टार्ट किया अपने ब्राउजर को, मैं नेटवर्क टैब खोलता हूँ वापस से कोड रिस्टार्ट करता हूँ। हाँ अभी हमारे पास एरे में पूरा का पूरा एरे पड़ा हुआ है, ठीक है, जो अनसॉर्टेड है। मैं अगर पास करूँगा तो ये जो तीनों लाइंस लिखी हैं इससे क्या होगा कि पिवट पिवट अभी जीरो इंडेक्स पे जो कुछ पड़ा था, मतलब जीरो इंडेक्स पे 3 पड़ा था, तो 3 पिवट में आ जाएगा और लेस देन में 3 से जितने भी छोटी वैल्यूज पूरे एरे में प्रेजेंट होंगी, जैसे 3 से छोटी 1 है एंड 2 है, तो 1 2 का एक एरे लेस में आ जाएगा, एंड बाकी से जो बड़ी बड़ी वैल्यूज होंगी वो ग्रेटर देन में आ जाएंगी, और जो 1 के बराबर मतलब 3 के बराबर होंगी वो इक्वल में आ जाएंगी। तो मैं अगर पास करूँ इन तीनों को तो मैं आप देख सकते हैं कि इसमें 3 एक अकेला प्रेजेंट था, तो इक्वल्स में
थ्री आया, केवल एक एरे में केवल एक ही डेटा आया, एंड अपना जो एरे था वो ओरिजिनल एरे प्रेजेंट है, एंड वापस से ग्रेटर देन में तीन से बड़ी वैल्यूज है एंड लेस देन में टू से छोटी वैल्यू, थ्री से छोटी वैल्यूज है, एंड वापस से जब हम कॉल करेंगे तो लेस, अब जो क्विक कॉल होगा रिकर्सिवली उसमें हम लेस पास करेंगे पहले, तो इसमें अब डेटा जाएगा जो टू और वन जाएगा, मैं पास करूँ एक बार, अब जो एरे एरे इसमें पास हुआ है वो टू और वन के लिए पास हुआ, फिर से एक बार ये चलेगा एंड वापस से पिवट बनेगा टू, टू से जितनी भी बड़ी वैल्यूज होंगी वो ग्रेटर देन में जाएंगी, लेस वैल्यूज सारी छोटी होंगी, तो वन जो आएगा वो लेस देन में आ जाएगा, एंड इक्वल से ग्रेटर देन में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ग्रेटर देन में कुछ है ही नहीं टू से बड़ा, एंड वापस से हम इक्वल्स में एक ही डेटा पड़ा है, हम जब फिर से पास करेंगे तो अभी एरे में एक डेटा पड़ा है, एंड वापस से जब लेस ये कंडीशन चलेगी एंड डायरेक्टली एरे ही रिटर्न हो जाएगा पूरा, ये रिटर्न होगा, आपको दिखाता हूँ ये रिटर्न हुआ, एंड वापस अब ये कंडीशन ये लेफ्ट लेस के लिए तो सारी चल गई, अब ये ग्रेटर देन के लिए चल रही है, ग्रेटर देन में अभी के लिए क्या पड़ा है, अभी के लिए ग्रेटर देन में कुछ नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अभी पास करेंगे एक बार, एंड इस बार एरे खाली आ रहा है, खाली आ रहा है तो ये रिटर्न कर देगा डायरेक्टली, ओके, एंड जब ये रिटर्न करेगा तो वापस से पिछले पास इस बार ग्रेटर देन में क्या पड़ा था, अभी भी खाली पड़ा है, हम वापस से पास करते हैं एंड ग्रेटर देन में इस बार कोई वैल्यू आएगी जो कि एरे में पास हुआ है तीन डेटा, पांच मतलब ये थ्री से बड़ी वाली वैल्यू जितनी भी थी वो पास हुई है इसमें, एंड वापस से पास करेंगे तो ग्रेटर देन कॉल हुआ, ये इस बार एट एंड सिक्स के लिए चल रहा है, तो वापस से ये पिवट डिसाइड होगा, पिवट किसने बनाया एट, एट से जितनी भी छोटी वैल्यूज होंगी लेस में आ गई, जैसे कि सिक्स है एंड ग्रेटर देन कुछ होगा ही नहीं, ग्रेटर देन इस बार खाली होगा, एंड जैसे ही पास होगा इसके अंदर तो एरे सिक्स है ये पूरा एरे रिटर्न कर देगा, एंड अब जो डेटा एरे खाली है एंड ये पूरा का पूरा एरे रिटर्न कर देगा, ठीक है, थ्री, एंड अब हम देख सकते हैं कि जो एरे रिटर्न हो रहा है, अब हमारा ये एरे बन रहा है फाइव एट सिक्स, अगर हम देखें तो पूरा का पूरा एरे थ्री टू फाइव एट वन ये पास हुआ है, एंड अब हम देख सकते हैं कि ये जो एरे रिटर्न करेगा ये पास करते हैं एक बार सारे कॉल करके एंड ये सॉर्ट करके इसने दे दिया, तो हमारा कोड कुछ ऐसा काम कर रहा है कि ये बार बार पिविट से जितनी भी छोटी वैल्यूज हैं उनको लेफ्ट साइड में डाल रहा है, जैसे कि हम कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, कॉन्केटिनेट में यही कर रहा है कि इक्वल्स में एग्जैक्टली पिविट्स के बराबर, जैसे मान लेते हैं एट को या फिर थ्री को हम दो बार लिख देते हैं थ्री कॉमा थ्री, तो ये जो इक्वल्स वाली कंडीशन है ये इसके लिए है, इक्वल्स में आएगा एंड इसको डायरेक्टली कॉन्केटिनेट कर देगा किसके साथ, जो ग्रेटर ग्रेटर देन राइट में होना है बाद में आनी है इसलिए हमने बाद में इसको कॉल किया, तो आई होप आपको ये क्विक शॉट समझ में आया होगा कि काम कैसे करता है एंड स्पेशली जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज हो सकता है रिकर्सिवली कॉल करके अपने खुद ही मेथड को, तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, हम मे बी अगली प्लेलिस्ट में कुछ नया स्टार्ट करें, इस प्लेलिस्ट में इतना ही, थैंक्स।